हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही आसानी से इंस्टेंटली बनने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आम का मुरब्बा कैसे बनता है ये देखते हैं, और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना। यहाँ पर मैंने 1 किलो राजापुरी कैरी यानी कि आम लिए हैं और उसके छिलके निकाल दिए हैं। छिलके निकालने से पहले इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इसे स्क्वायर पीसेस में कट कर लेना है। पीसेस हमें बहुत छोटे नहीं करने हैं, मीडियम साइज के इस तरह से पीसेस बनाने हैं। अब इसे उबलते हुए पानी में डाल देंगे। पानी मैंने पहले से ही उबालने रख दिया था। 3/4 टीस्पून नमक और 3/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे और उसे एक उबाल आने तक पकाएंगे। सिर्फ 5 मिनट इसे पकाना है, ज्यादा हमें पकाना नहीं है। एक बार इसे चला लेंगे। 5 मिनट बाद आप देख सकते हो कि आम अच्छे से सॉफ्ट और थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे छलनी में डाल के छान लेंगे। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब इसके लिए चाशनी बनाते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 800 से 850 ग्राम जितनी चीनी ली है और उसमें चीनी डूबे उतना पानी ऐड किया है। इसे लो फ्लेम पे ही चलाएंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। यहाँ पर हमने 1 किलो राजापुरी आम लिए थे, तो उसमें से गुठलियाँ और छिलके निकलने के बाद 800 से 850 ग्राम बच गए होंगे, तो उसी के हिसाब से हमने उतनी चीनी ली है। चीनी घुल जाने के बाद हमें गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और अच्छे से चाशनी को पकाना है। अब थोड़ी सी चाशनी ऐसे 2 उंगलियों के बीच में लेके प्रेस करने से तार बनता है, तो ये एक तार की चाशनी बनी है। तो इसी स्टेज पे हम मैंगो पीसेस ऐड कर देंगे और फ्लेम को थोड़ी देर हाई रख देंगे एक उबाल आने तक। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर देंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा, 5-6 लौंग और 4-5 इलायची कूट के ऐड की है। थोड़ा सा केसर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक उबाल आ चुका है, तो अच्छे से एक बार चला लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और 20 से 25 मिनट इसे पका लेंगे। आधा नींबू का रस ऐड कर देंगे और चला लेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। 25 मिनट बाद आप देख सकते हो कि मिश्रण काफी गाढ़ा हो चुका है, तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी चाशनी प्लेट में लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद प्लेट को ऐसे हिलाने से फैलती नहीं है और उंगलियों से भी चेक करने से ऐसे तार बनते हैं, तो अब ये परफेक्ट है। ठंडा होने के बाद भी अभी और गाढ़ा होगा, तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे स्टैंड पे रख देंगे। 5-6 घंटे या फिर ओवरनाइट इसे रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद एक साफ बर्नी में इसे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हो, और जब भी मन करे थेपला के साथ या ब्रेड के साथ इसे एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। कैसी लगी? अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।